हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की निर्मल ग्राम पंचायत नोनी ने जहां स्वच्छता के मामले में कई अवार्ड जिला व राज्य स्तर पर अपने नाम किए हैं, वहीं अब नोनी पंचायत के नाम एक और नई ख्याति जुड़ गई है। आपको बता दें कि पंचायत के बगैर गांव को भारत के सबसे साफ व सुंदर गांव का अवार्ड मिला है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस गाँव को सम्मानित किया गया। दौरान निर्मल ग्राम पंचायत नोनी के प्रधान बलदेव ठाकुर को राष्ट्रपति द्वारा सबसे साफ गांव के प्रधान के रूप में अवार्ड देकर नवाजा गया। ये अवार्ड इंडिया टुडे फाइगिरी के तहत दिया गया। जानकारी के अनुसार एक एजेंसी द्वारा बीते दिनों देश भर में सफाई को लेकर एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में देश भर के गाँव को देखा गया। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को लेकर टीम ने गाँव का चयन किया और जिसके बाद अवार्ड के लिए नोनी पंचायत के प्रधान बलदेव ठाकुर को सूचित किया गया। वहीं पंचायत प्रधान बलदेव ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान देश भर की कई विभूतियों को उनके द्वारा पर्यावरण स्वच्छता, जल संरक्षण, प्लास्टिक निपटान, समुद्र में सफाई आदि विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं उनकी पंचायत के बगोल गाँव को देश के सबसे साफ सुथरे गांव के रूप में चुना गया है, जो उनके लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए वे जहां प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, नौणी विश्वविद्यालय का आभार जताते हैं, वहीं पंचायत को साफ सुथरा व सुंदर बनाने में सहयोग लिए आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के हाथों उनकी पंचायत को अवार्ड मिलना उनके व उनकी पंचायत के लिए सौभाग्य की बात है और अब वे पंचायत को और सुंदर, स्वच्छ और विकसित बनाने के लिए कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने इस सब के लिए मीडिया का भी आभार जताया। वहीं बगौर के वार्ड सदस्य राजेंद्र मेहता ने बताया कि उनकी पंचायत के हर गांव में स्वच्छता का काफी ध्यान रखा जाता है और आने वाले दिनों में भी पंचायत को इसी तरह साफ सुथरा व स्वच्छ रखा जाएगा। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी पर्व दशहरा उत्सव सुजानपुर मैदान में भव्य एवं शानदार तरीके से मनाया गया। रावण दहन के साथ साथ भव्य शोभा यात्रा राम रावण युद्ध आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की और मध्य मैदान में पहुंचकर रावण दहन कार्यक्रम का हिस्सा बने। मेहरा विकास सभा सुजानपुर के सौजन्य से प्रति वर्ष विजयदशमी उत्सव मनाया जाता है। इस बार भी ये सब भव्य एवं शानदार तरीके से मनाया गया। 30 फीट का रावण दहन किया गया। पुतला बनाने का कार्य बीते 2 सप्ताह से शुरू था। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का आयोजन कार्यकर्ताओं द्वारा गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। मेला ग्राउंड में उन्हें शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगर परिषद के अध्यक्ष अशोक मेहरा विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने काली माता मंदिर प्रांगण में विशेष पूजा में भाग लिया और वहां से मैदान में पहुंचकर रावण दहन कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, उपाध्यक्ष अंकुश गुप्ता के साथ साथ सुजानपुर भाजपा शहरी इकाई अध्यक्ष सुमन महाजन, महासचिव सुधीर भटनागर, सचिव प्रकाश सुड्याल सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का कार्यक्रम में शिरकत करने पर धन्यवाद किया। अपने संबोधन के दौरान मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बताया कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक और झूठ पर सत्य की जीत का प्रतीक है। जहां रावण में अहंकार था जो उसके विनाश का कारण बना, लेकिन उसके जीवन में जो अच्छाइयां थी वे भी किसी से कम नहीं थी। श्री राम भगवान को वनवास समाप्ति के बाद अगर सीता से ही सलामत मिली तो उसके पीछे रावण के संस्कार थे। विजयदशमी दशहरा पर्व हमें शिक्षा देता है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है और मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति महान बनता है। देश के हालात आज ठीक नहीं है, आने वाला समय और भी खराब होने का अंदेशा है। निजीकरण के नाम पर सरकारी उपक्रम और संपत्तियों को देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार बेच रही है। ये शब्द कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
कुलदीप राठौर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहे, उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। जनहित के मुद्दों पर बीजेपी नेता खामोशी अख्तियार किए हैं। प्रदेश में नशाखोरी बढ़ी है और नशे के असली सौदागर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ऐसा लग रहा है कि नशा माफिया और खनन माफिया को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। धर्मशाला की बात करें तो कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर विराम लग गया है और नई योजनाओं का तो कोई नाम तक नहीं है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कार्य ठप होकर रह गए हैं। धर्मशाला की जनता जान चुकी है कि बीजेपी सरकारों ने हमेशा धर्मशाला की अनदेखी की जा रही है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। राठौर ने आरोप लगाया कि सरकारी इमारतों पर भी बीजेपी के झंडे लगे हैं, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है। सीएम खुद सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जेपी नड्डा को वे खुद लेने गए थे, जो कि कहीं न कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग है, इसलिए इस यात्रा का खर्च बीजेपी के चुनावी खर्च में जोड़ना चाहिए। राठौर ने कहा कि इन्वेस्टर मीट के नाम पर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और भी खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। निवेशकों को सरकारी खर्च पर यहां लाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। सरकार को चाहिए कि जो उद्योग यहां पहले से चल रहे हैं उन्हें मजबूत किया जाए, ताकि वे पलायन न करें। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि एनएच को लेकर हर जगह हो हल्ला मचाने वाले भाजपाई आज इस मामले में खामोश क्यों हैं? प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि वो नेशनल हाईवे अब कहाँ है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा की मदद करने वालों की नज़र अब हिमाचल की पहाड़ियों पर टिक गई है। केंद्र व प्रदेश सरकार हिमाचल को बेचने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के नाम पर सरकारी उपक्रम और संपत्तियों को देश और विदेश की भाजपा सरकार बेच रही है।